हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसाले की होलसेल बिजनेस के बारे में। अब सबसे पहले बात करें अगर मसाले की, तो भारत में सबसे ज़्यादा कंज्यूम, जो सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है, जिसके बिना आपके हर दिन, हर सुबह और शाम काम नहीं चल सकता है, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर चीज़ अगर बात करें, हर घर में इस्तेमाल होता है, वो होता है मसाला। और सदियों से होता है और आगे भी होता रहेगा, ठीक है। यानी डिमांड इसकी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हाँ, कॉम्पिटिशन की बात करें तो हर बिज़नेस में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बट आप उस बिज़नेस को कितना अलग तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी आइडिया और आपके हार्डवर्क पे निर्भर करता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले मसाले की होलसेल बिजनेस के बारे में। सबसे सीधा और सरल बिजनेस है और जो कि 12 महीने चलता है, ठीक है। तो इस बिजनेस में कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कितनी कमाई होती है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात किया जाए इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट आप 10,000 से लेके 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 रुपए, जो भी आपकी जितनी भी आपकी क्षमता है इन्वेस्टमेंट करने की, उतना आप लगा सकते हैं। लेकिन मिनिमम 10,000 से 20,000 रुपए में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तीन फेज में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला, अगर आप मसालों का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रांड कंपनी का, जैसे MDH हुआ, एवरेस्ट हुआ, राजेश मसाले हुए, गोल्डी मसाले हुए, इस तरीके की बहुत सारे मसाले आते हैं मार्केट में, उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन या एजेंसी लेके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं और हर मार्केट में होता है, तो उस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अपना खुद का ब्रांडिंग कर सकते हैं, यानी कि आप मसाले को मंगाएंगे, उसको पीसेंगे और अपनी पैक में, या फिर पीसे हुए मसाले मंगाएंगे और अपने नाम के पैक में उसको करके मार्केट में अपने नाम से ब्रांडिंग करके मार्केट में उतार सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन इसमें मार्जिन भी ज़्यादा मिलती है, अभी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। और तीसरा चीज़ ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं मसाले की, ठीक है। मसालों की मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जो होता है, जहाँ पे आप पैकिंग करते हैं, ठीक है, पैकिंग करके आप उन्हीं को सप्लाई करेंगे जो खुद की ब्रांडिंग करते हैं, समझ रहे हैं बात। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक होते हैं, तो आप खड़ा मसाला भी सप्लाई कर सकते हैं, बट वो एक कॉस्टली चीज़ है, उनके लिए नहीं हो सकता है। जो लोग अभी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो तो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिनको मसाले का बिजनेस पहले से कर रहे हैं 2-3 साल से और एक अनुभव हो गया, अगर वो करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। और अगर आप नए में एकदम मसाले का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, आपको लगता है कि यार बहुत कम जगह में अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा ये बिजनेस, तो आप सबसे अच्छा है किसी कंपनी का एजेंसी लें या पिसे हुए मसाले को लाएं और खुद की ब्रांडिंग करें, ठीक है। ब्रांडिंग करने के लिए आपको एक मशीन और एक आपका पैकिंग मशीन चाहिए सिर्फ, ठीक है, जिससे आपका एक कच्चा माल जो आप मंगाएंगे और उसमें पैक होगा आपके नाम से, एक प्लास्टिक जो भी आप पाउच बनाएंगे पाउच में, और पैकिंग का पाउच वाला जो मशीन होता है, ठीक है, इसी से आपकी ब्रांडिंग हो जाती है। तो आप निर्धारित कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बट उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब मेहनत होता है वो होता है मार्केटिंग का होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मसाले, सस्ते से सस्ता मसाला आप कहाँ से खरीद सकते हैं दोस्तों। अगर किसी कंपनी का आप एजेंसी लेते हैं तो वो आपको खुद प्रोडक्ट देगी, तो उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ माल को लेना है और मार्केट में आर्डर लेके माल को पहुंचाना है, ठीक है, जिस भी कंपनी का लेते हैं। अगर आप खुद की ब्रांडिंग करते हैं तो मसाला आपको एक होलसेलर, जो बड़े होलसेलर जो ट्रक में डील करते हैं, ट्रकों से माल मंगाते हैं अपने यहाँ, वो आपके हर शहर में मिल जाएंगे, या आपके जिस भी आप राज्य में रहते हैं वहाँ के जो राजधानी होंगी, जो कैपिटल होगा, या बड़ा मार्केट जो उद्योग शहर होगा, वहाँ पर आपको बहुत ऐसे डीलर मिल जाएंगे जो खड़े मसाले को डील करते हैं और वो मसाला वहाँ से मंगाते हैं जहाँ से मसाला पैदावार होता है। अलग अलग जगह मसाले की पैदावार ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है, तो वहाँ से वो सीधे मसाला आता है, और वही चीज़ जहाँ से आप उसके लिए मंगाएंगे पैकिंग के लिए। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको डायरेक्ट उन जगहों पे जाना होगा जहाँ मसाला पैदा होता है, जो किसान मसाले उगाते हैं वहाँ से आपको खरीदना होगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सबसे पहले आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आप एक एजेंसी का काम लेते हैं तो आपको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वहीं आप अपनी खुद की पैकिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एक पूरा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा कि हम मसाले बनाएंगे तो मसाला एक बहुत लोगों को अथोराइज करना पड़ेगा कंपनी में, जो अलग अलग जगहों पर मसाले की डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, सुपर स्टॉकिस्ट बनाएंगे, जहाँ पर आप मसालों की सप्लाई करेंगे, और मार्केटिंग करने के लिए भी आपको बहुत लोगों को रखने पड़ेगा जो मार्केट में जाएंगे और आपकी कंपनी का प्रचार करेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, और सबसे अच्छा अगर इसमें प्रोसेस किया जाए तो खड़ा मसाला आपके
कहीं पे भी अगर आप होलसेल का होलसेलर जो भी मसालों के होंगे आपके शहर में, तो वहाँ से आप खड़े मसाले को अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे पाउच में पैकिंग कर सकते हैं खड़े मसाले को, जो कि 10 रुपये में। अगर 10 रुपये की मसाले को आप पाउच में पैकिंग करते हैं तो आपका जो कॉस्ट गिरता है वो दोस्तों 3 से 4 रुपये गिरता है, जबकि 4 रुपये मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, 3-3.5 रुपये में आपको 10 रुपये वाला मसाला पैक हो जाता है, जिसे अगर आप किसी भी होलसेलर या बड़े डीलर को पैक करके अच्छी पैकिंग में 5 रुपये में भी देते हैं तो आपको 1.5 से 2 रुपये आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है, और 5 रुपये में लेने के बाद वो डीलर उसे 6 रुपया 7 रुपया या फिर डायरेक्ट 10 रुपये जो भी उसकी जैसे भी वो रिटेलिंग कर लेता है, ठीक है, अपने नेटवर्क में वैसा वो करेगा। तो इस तरीके से बहुत लोग उद्योग चला रहे हैं कि खड़े मसाले को पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि खड़ा मसाला भी आज की डेट में अभी भी अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, चाहे ये हुआ चाहे कोई भी बिजनेस, तो आपको उधारी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कम से कम उधारी दें शुरुआत में, क्योंकि आपके पैसे बहुत लिमिटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं होता है, तो उधारी को जितना से ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकें, किसी के बहकावे में ना आए, जितना ज़्यादा आप अपने आप को ये बना पाएं कि नहीं यार उधारी हमको देना नहीं है, जितना बढ़िया आप इस पर एक नियम बना पाएं अपने आप से, ठीक है, कि नहीं यार हम उधारी नहीं देंगे, ठीक, तो इस पर अगर आप अटल रहते हैं तो ये एक आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा फंसता है वो उधारी में फंसता है, और जब एक बार उधारी में फंस जाता है तो सारे जगह से आपके जो काम होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, ठीक। और इसमें दोस्तों समय समय पे आपको स्कीम भी देना पड़ता है, चाहे आप किसी भी तरह का व्यवसाय कर रहे हो, तो कंपनी का माल लेते हैं तो कंपनी स्कीम ऑलरेडी जनरेट करके देती है, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, सरल और सीधा उपाय यही है कि अगर आपको बहुत अनुभव नहीं है तो आप किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी लेके पहले वर्क कर लें, इसके बाद खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाल सकते हैं, या फिर आप खड़े मसाले को मंगा के पैकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मार्जिन की, कि इस व्यवसाय में कितनी कमाई होती है। तो अगर आप एजेंसी लेते हैं तो एजेंसी में जो आपका आमदनी जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो 50,000 से 1,00,000 रुपए में आप किसी भी कंपनी का बढ़िया से बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले सकते हैं। मार्जिन की बात करें दोस्तों तो 8 से 10% की मार्जिन होती है डिस्ट्रीब्यूशनशिप में, और वही बात करें पैकिंग के बिजनेस में जहाँ पे आप पैक करते हैं मसाले ला के, तो उसमें 15% की मार्जिन आपको मिल जाती है, 15 से 20% की, ठीक है। और खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप कब इतना सस्ता माल उठाते हैं और उसे कैसे आप सप्लाई करते हैं, तो इसमें अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 25 से 30% की मार्जिन मिलती है अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है ये वीडियो आपको और ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो यार कमेंट जरूर करिए, हो सकता है आपकी रिप्लाई दें, क्योंकि हर आदमी का जो समझने का तरीका होता है या अलग अलग क्वेश्चन भी होते हैं तो उस पर एक वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक आइडिया था जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे ये बिजनेस स्टार्ट होता है और कितनी कमाई होती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो यार कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो वहाँ पर कमेंट करें। A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी वीडियो मिलेगी और वहाँ पर आप हमें चैट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर तो ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर हम बराबर एक्टिव रहते हैं और आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं अगर जेन्युइन होगा तो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और पुराने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।